40 साल पहले की घटना आज मुझे याद आ। प्रभाव से बढ़कर स्वभाव है और मुझे कहते हैं मुझे आनंद होता है। हमारा यह पूरा छवि प्रदर्शन प्रभाव का नहीं था, स्वभाव यानी प्रभावना के लिए यहां पर कोई दौड़ा दौड़ी नहीं, पता भी नहीं था कवर में रोज कितने मिलने वाले। लेकिन मैंने पहला संघ ऐसा देखा, वैसे तो मेरी निश्चित में पहला ही संघ है तो पहला ही देखने मिले, लेकिन मैं नहीं मानता हूं ये मेरी निश्चरा है। मैं जब से निकला तब से दक्षाधिपति और गुरुदेव को कहकर निकला मैं जाता हूं आपके प्रतिनिधि की तरह से, बाकी भाव निश्चरा दक्षाधिपति की और हमारे गुरुदेव की है। लेकिन मैंने ऐसा संघ पहली बार देखा, वैसे तो 10-15 संघों में मैं जाके आया हूं, मैंने नहीं देखा कि संघ के अंदर प्रवचन में पूरा पंडाल भर जाए, लोग सो जाते हैं आराम से, गेम खेलते। अभी व्हाट्सएप की बात की ना, व्हाट्सएप में पबजी पॉकीमोन ब्लूबेल उसी में टाइम पास करते हैं। मुझे आज कहना है इस संघ में कितना आनंद आया है। सबसे पहले ये यात्रालुओं को धन्यवाद देता हूं, आप रोज समय से उठ जाते थे, समय से चैत्यवंदन में हाजिर हो जाते थे। हाँ मेरे पहले बाहर निकल जाते थे, बाउसी होती ठार पड़ती थी, मुझे तो वो मजा आता था कि जब निकलते थे ना, हेलो स्वेटर घाल ना ना घड़ी ठार है ऊपर साल ना ना हजी घड़ी ना ऊपर मफलर बहुत आ तो 1 किलोमीटर की हो हमें मफलर काट वाती धके 1 किलोमीटर किया हमें स्वेटर भी काट साल भी काट बस मैं की हो हमें हतरा तो कपड़ा रख दियो बाकी कोई काम नहीं। बाउजी जी टेंट में थी बारे निकलो तो यू लगे के बे धाबड़ा बे बे ब्लैंकेट नहीं था। मैं 2 किलोमीटर जाओ तो का हालत नहीं जा बाहर बाहर का के कदी उड़ गाड़ी आवे कटे थी बेल गाड़ी आवे कटे थी हाथी वालो आवे भंडारी एक्सप्रेस आवे माय घालो होटे ले जो मने आवाज दे दे मो का मजा था। कल सुबह कोई उठाने वाला नहीं है। यात्रालुओं को धन्यवाद देता हूं। बड़ी मजे की बात यह है 700 से ज्यादा यात्रालु होते हुए भी एक भी बैनर अहमदाबाद में कहीं पे कराड़ में नहीं लगाया, बेंगलुरु में नहीं लगाया, गिरधर नगर में नहीं लगाया, अहमदाबाद में नहीं लगाया। और 700 से ज्यादा फॉर्म भर करके भंडारी के परिवार के पास आ गए, ऐसा पहला संघ। एक भी बैनर नहीं लगाया। आगे कोई भी क्रिया की बात करो पंडाल भर देते थे, प्रवचन में 2:30-3 से आ जाते 5-5 बजे तक बैठे, क्या वो मजा था। कल से आप चले जाओगे हमारा पंडाल भी उतर जाएगा, हम यहां रहेंगे आएंगे कोई मिलने वाला नहीं। यात्रालुओं को धन्यवाद। हाँ जो धन्यवाद देता हूं यूं इच्छा में दुक्रम भी दो कि बाउसी हतरा के ने अड़ारे हलाड़िया ने ओगनी हलाड़िया ने कोतरा ने कड़े कड़े ले दिया। यदि ऐसा ना किया होता तो भोईनी और रातेज और संखलपुर की जो यात्रा और पूजा करने का आपको लाभ मिला वो नहीं मिलता। एवरेज तो 12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हुई, 9-9 किलोमीटर 3-4 बार आया कि नहीं आया। बाउसी वन्नी तो मैं थोनी अनुमोदना नहीं करूं, तो हतरे हतरे हलाया वह फरियाद तो मैं करवा रहा हूं। एवरेज 12, लेकिन वैसे करने जाओ तो आपको भोईनी में रातेज में शंकरपुर में तीर्थ के पास जो स्थिरता मिली और वहां जाके पूजा करने का सौभाग्य मिला वो नहीं मिला। तो क्या अच्छा था, सत्र अच्छा था, अब अच्छे लगता चलने के बाद तो सभी अच्छे लगने वाला। आपने सब किया, ज्यादा करके सभी लोगों ने पैदल यात्रा की।
इसके साथ हमारे गिरधर नगर युवक मंडल, उन्होंने कोई उपकार नहीं किया, उनकी फर्ज है। जब गिरधर नगर का संघ ही है तो खुद का ही संघ है, और उन्होंने खुद का संघ समझ करके जो इन्वॉल्वमेंट दिया है उनकी भी जबरदस्त अनुमोदना।